जय हिंद दोस्तों, मैं भी हिंदुस्तानी एडमिन शकील मोहम्मद। ये वीडियो मैं नहीं बना रहा था, मुझे मैसेज ऐसा आया है और पब्लिक डिमांड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इनको आप ही अच्छा खींच सकते हैं, इसलिए आप एक वीडियो बनाओ बोले तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये राजा सिंह जो मुनव्वर फारूकी के बारे में बोल रहे हैं कि 20 अगस्त को इन्होंने नहीं आना, तो पहली चीज़ मैं ये बता दूँ कि ये कोई इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, मौलाना या कोई ऐसे नहीं है जो इनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे। इनको तेलंगाना हुकूमत इसलिए आने दे रही है, इनके कई शोज़ कैंसिल हुए दूसरे राज्य में, तो तेलंगाना हुकूमत जो KTR TRS पार्टी है वो बताना चाह रही कि हम सेक्युलर है, हम सब मज़हब वालों को हर किसी को अपनाते और उनको बोलने का हक़ देते, चाहे इनके ख़िलाफ़ बोलो या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलो। अब दूसरी बात रही हमारे क्या सख्तुल्ला ये राजा सिंह की, इन्होंने बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों बोल रहे, तो तुम कितने बड़े पांडू है, मतलब जो आपके कितने गट्स है। आपकी सीधी सीधी बात अगर बता दूँ तो पिछले टाइम पे जब आप जाके बेगम बाजार PS में कंप्लेन कराए, मेरे को धमकी आ रही तो सिक्योरिटी बढ़ा लिए, घर के बाहर नहीं कर रहे थे आप, तो आप इतने बड़े खैर लोग समझ जाते क्या है। तो ये बयान जो आप दे रहे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भोले हिंदुआ हैं सिर्फ आप उन लोगों को भड़का सकते, आस्था की बुनियाद पे वो लोग कुछ करे तो कर सकते। और ये BJYM के लड्डू वड्डू कौन कौन है वो कालू पीलू, वो लोगों को तुम भड़का के करके उन लोगों को भेज सकते, और कुछ भी नहीं। और वैसे भी हिंदू भाई हमारे जाग चुके हैं, ये चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तुम, क्योंकि डेवलपमेंट पर बात नहीं करते, ड्रग्स पर बात नहीं करते, गांजा शराब और तुम्हारे एरिए की जो रोड है उसके बारे में बात नहीं करते, और जो महंगाई के ऊपर उसके ऊपर बात नहीं करते। सिर्फ तुम हिंदू मुस्लिम इसकी राजनीति खेलने वाले इंसान है, तो तुम्हें हिंदू भाया खुद और धुलपेट के कई लोग तुम्हारी असलियत जान चुके। नेक्स्ट इलेक्शन में तुम्हारा क्या होता क्या नहीं वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता, मगर तुम्हारे बातों में कोई आने वाले नहीं है। और मेरे हिंदू भाइयों से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और DCP साहब भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव पर्सन है। अगर आप लोगों की कुछ गतिविधि होगी नुकसान आपका होगा, केसेस आप पे बुक हो गए, ये तो घर में बैठा हुआ रहता, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। जय हिंद जय तेलंगाना। भले ही मुझे अरेस्ट किया जाएगा पुलिस द्वारा, लेकिन मैं पुलिस से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम अगर तेलंगाना में होता है हैदराबाद में, नुपुन शर्मा ने तो एक छोटा सा कमेंट किया, भारत में क्या हुआ पता है, उससे भयंकर रूप से मैं कमेंट करूंगा। क्योंकि जब मैं उतरता हूं मैदान में तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता, इसलिए पुलिस के अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन कि इस ऐसे ऐसे फालतू कॉमेडियन का प्रोग्राम तेलंगाना हैदराबाद में होने का, अगर कुछ होगा लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब होगा तो इसकी जिम्मेदार पुलिस रहेगी। ये बात ध्यान रखना हमारे DGP साहब, कमिश्नर साहब और खास करके हमारे होम मिनिस्टर।